हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल्टेरियन व्हील्स के एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जहां दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स या फिर जिसको हम नॉर्मली डिस्क ब्रेक्स कहते हैं उनके बारे में, क्या उनके डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, सब मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्या वो काम कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्क ब्रेक जो है वो एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग के दुनिया में। जैसे जैसे मॉडर्न डेज में जो टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं सेफ्टी के मामले भी, सेफ्टी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं इनमें से एक ये डिस्क ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स कह सकते हैं, जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक और इम्प्रूव करके उसमें ईबीडी प्लस एबीएस सब आते हैं। तो जो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसमें बता दे रहा हूँ कि ये नॉर्मली आपके ब्रेक लीवर्स होते हैं, जो आपके बाइक का एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्मल एक डिस्क ब्रेक वाली बाइक जिसमें आपके आगे वाले जो पहिए होते हैं, आगे का जो पहिया होता है उसमें आपको एक ऐसे स्टील का एक आपको दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्क दिखेगा, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिखेगा जो आपके व्हील के साथ लगा होगा। आगे जब वो घूमता है तो वो भी उसके साथ घूमता है और उस डिस्क को पकड़ा हुआ एक होल्डर लगा रहता है, जो घूमता नहीं है वो अपने जगह में स्थिर रहता है। तो एक्चुअली वो स्टील का नहीं होता, वो अलॉय रहता है बहुत सारे मेटल का। तो अभी आपके और वो करंट इंटर रहता है आपके ब्रेक लीवर के साथ, जो आगे वाले पहिए के होते हैं, राइट हैंड में जो आपका ब्रेक लीवर होता है उससे कनेक्टेड रहता है। तो इसमें होता क्या है, आप अगर ध्यान से कभी गौर किए नोटिस किए तो आपने देखा होगा कि आपके जो आगे का जो ब्रेक लीवर है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो आपका ब्रेक लीवर होता है, उसके पास आपको एक छोटा सा डब्बा देखने को मिलता होगा, जिसमें आपको एक एक लिक्विड दिखता होगा। उसमें एक एक्चुअली वो ऑयल है, जो जिससे वो ब्रेक लगता है, ऑयल लेवलर होता है उसमें। तो वो एक्चुअली वो डिस्क ब्रेक का ऑयल होता है, जिससे कि होता यह है कि वो प्रेशर अप्लाई करता है और इससे ब्रेक सप्लाई। प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, देखिए जब आप ब्रेक लगाते हो, यानी कि जब आप उस लीवर को खींचते हो, आगे के लीवर को खींचते हो, तो उससे आपके वहां पे उसके अंदर जो है, मतलब उस जो छोटे से डब्बे के अंदर जो है एक लीवर होता है एक और, जो प्रेशर अप्लाई करता है। आप जैसे ही आपने खींचा वो प्रेशर अप्लाई किया, उस लिक्विड को प्रेशर दिया, और लिक्विड जो है वो एक तार से जुड़ा हुआ होता है, नीचे में आपके जो डिस्क में जो होल्डर लगा होता है उसमें वो जुड़ा हुआ होता है। तो इस जो वो जो होल्डर होता है उसमें एक दो और लेवर होता है, जो कि आपके डिस्क ब्रेक, मतलब जो आपका डिस्क होता है उसके साथ वो दो और लेवर जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप ब्रेक लीवर खींचते हो तो उससे होता यह है कि वो डब्बे के अंदर जो लीवर होता है वो अप्लाई करता है प्रेशर लिक्विड में, फिर लिक्विड जो है वो नीचे तक प्रेशर अप्लाई करके जो है आपके डिस्क तक उस प्रेशर को पहुंचाता है, और वहां पे दो और लीवर लगे होते हैं जो आपके डिस्क को प्रेशराइज करते हैं, जिससे कि आपके डिस्क में डिस्क को प्रेशर मिलता है। और वहां पे दो ब्रेक शूज लगे होते हैं जिसके अंदर से डिस्क पास होता है, और वो ब्रेक शू जो है वो दबता है और वो डिस्क को पकड़ लेता है जब आप ब्रेक को दबाते हो। इससे होता यह है कि आपके जो डिस्क है वो घूमना कम कर देता है, मतलब वो रुक जाता है या फिर घूमना कम कर देता है, स्लो कर देता है। तो यही तरीका होता है कि ये, इसलिए इसको हाइड्रोलिक कहते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड का काम आता है, लिक्विड से इसको प्रेशराइज किया जाता है उस क्या बोलते हैं डिस्क को। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं समझाऊं तो आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल में, नॉर्मल साइकिल में जो आपके जो ब्रेक्स लगे हुए होते हैं, आपको चक्का मिला, चक्का होता होगा उसमें आपको चक्के के दो साइड में आपको दो रबर के ऐसे बार्स देखने को मिलता होगा जो ब्रेक जैसा काम आता है। चक्का बीच गया होगा और जो दो रबर के जो बार्स होते हैं वो दो साइड में रहते हैं। जैसे आपने ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो जो दो रबर है वो आपके व्हील्स के साथ जो है वो लग जाते हैं, जिससे कि वो व्हील्स को रोकने का काम करता है, व्हील्स को स्लो करने का काम करता है। सेम यही चीज होता है, आप उस जो वो जो व्हील होता है साइकिल का, उसको आप मान लीजिए डिस्क का जो सीडी है, मतलब सॉरी सीडी बोल रहा हूँ, एक्चुअली डिस्क जो है उसको आप साइकिल का व्हील मान लीजिए, और उसके दो साइड में दो प्लेट्स लगे हुए होते हैं, मतलब ब्रेक शू जिसको कहते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो जब आप प्रेशर लगता है तो वो जो ब्रेक शू होते हैं वो इसके अंदर से जो डिस्क जा रहा है डिस्क को पकड़ने का काम करता है, मतलब वो साइकिल के चक्की को जो दो क्या बोलते हैं रबर के बार्स होते हैं वो पकड़ते हैं। वही चीज आप इसमें है, साइकिल का चक्का आप मान लीजिए उस डिस्क को, और जो रबर के दो बार हैं वो ब्रेक शू हैं, तो दोनों साइड में लगे हुए होते हैं उस डिस्क के, और ये सब चीज होता है उस डिस्क होल्डर के अंदर। और वो जो आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो दोनों जो ब्रेक शूज हैं वो आपके डिस्क के साथ लग जाते हैं और आपके डिस्क जो है वो रुक जाता है। और ये होता है इसलिए क्योंकि इसमें लिक्विड प्रेशराइज होता है, लिक्विड बहुत ज्यादा जोर से उसको प्रेशराइज करता है, जिससे कि वो गाड़ी अपने जल्दी से रुक जाती है और आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं आता है। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के ऊपर। देखिए एडवांटेज तो ये है
कि ये एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है और सेफ्टी के मामले में पहला था कि इसमें जल्दी आपको रोकने को मिल जाता अगर आप अच्छे से ब्रेकिंग करते हो। यहीं पे एक डिसएडवांटेज ये है कि मैंने बोला कि अच्छे से ब्रेकिंग करते हो, अगर आपने खराब ब्रेकिंग किया और आपने स्पीड में लगभग 70-80 के स्पीड में, तो कभी भी आप आगे वाला ब्रेक या फिर जो डिस्क ब्रेक जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगे हुए उसको आप मत दबाइएगा, क्योंकि ना आपकी गाड़ी जो है वो पलट जाएगी। तो इसलिए जो है जिसमें ABS होता है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें ABS नहीं होता उसमें गाड़ी पलट जाती है, फिर स्लिप कर जाती है, उसमें डर रहता है। इसलिए कभी उतने स्पीड में आप ब्रेक जोर से सडन ब्रेक मत कीजिए, वरना आपको आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्राइस ज्यादा है। आपको जब आप कोई भी बाइक या फिर बाइक का कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, उसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एक होता है कि अगर वो एक ही वेरिएंट में है तो कोई उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बाइक्स होते हैं उसमें आपको कुछ बाइक्स में आपको दो स्टैंडर्ड दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेगा। एक जो वेरिएंट होगा वो नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स में आता होगा और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो टॉप वेरिएंट होगा जिसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता होगा। जैसे कि मेरा जो स्कूटर है यामाहा का RZR, उसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आपका डिस्क और एक आता है ड्रम। ड्रम जो आता है उसका प्राइस कम है और जो डिस्क आता है उसमें प्राइस उसका ज्यादा है, तो प्राइस में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो एक इंप्रूव टेक्नोलॉजी, उसमें एक डिस्क अलग से लगता है, फिर उसमें लिक्विड के लिए एक जगह होता है, फिर उसमें आपको जो लिक्विड के लिए प्रेशराइज करने के लिए जो क्या बोलते हैं लीवर्स रखते हैं वो अलग रहते हैं, तो इसलिए उसका कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है ये सब आपका डिसएडवांटेजेस आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रम ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, ड्रम ब्रेक्स होते क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल टेरेन व्हील्स। जय हिंद।